अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। एक बार फिर आपकी बारगाह में एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आपका दोस्त सैयद अतीकुर रहमान आपकी बारगाह में हाजिर है। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करते हैं पथरी की। पथरी एक ऐसी बीमारी है जो कि जिसके चक्कर में पड़ने के बाद बेशुमार लोग परेशान हैं और कुछ लोग दवा भी खाते हैं, किसी को फ़ायदा होता है, नहीं होता है, बहुत टाइम से दवा खा रहे हैं, नहीं हो रहा फ़ायदा। आज मैं आपको ऐसी दवा बताने वाला हूँ जो आप अपने घर में ही बना सकते हैं। जी हाँ, घर में बना सकते हैं। आपको सिर्फ दो चीज़ लेनी है, बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है। एक चीज़ तो हो सकता है आपके घर में ही हो, एक चीज़ आपको बाज़ार से ख़रीदनी पड़ेगी। ठीक है, आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको लेना है कलमी शोरा। जी हाँ, 48 ग्राम कलमी शोरा। दूसरी चीज़ लेनी है आपको काली मिर्च। काली मिर्च लेनी है आपको 12 ग्राम। ठीक है, दोनों लेने के बाद आप काली मिर्च को बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको एक गर्म तवा लीजिए। गर्म तवे पर मतलब ये है कि गर्म तवा लेने के बाद उसको आंच पे चढ़ा दीजिए। जब तवा गर्म हो जाए तो उसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर जो है वो तय जो है उसकी बिछा दीजिए। यानी कि थोड़ा थोड़ा आपने इस तरीके डाला, उसको तय बना दिया आपने काली मिर्च के पाउडर की बना दी। तय बनाने के बाद ऊपर से आप कलमी शोरा उसके ऊपर बिछा दें। जैसे ही कलमी शोरा पिघलने लगे या बिल्कुल पिघल जाए, पिघलने के बाद उस पाउडर समेत उसको किसी मिट्टी के बर्तन में उलट दें, यानी डाल दें, जिससे मिट्टी के बर्तन में जाने के बाद जो वो जो तैयार होगा मामला वो बिल्कुल सख्त हो जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जब वो टाइट हो जाए, टाइट होने के बाद उसको मिक्सर में डालने के बाद या जैसे भी चाहें उसको बिल्कुल पाउडर बना लीजिए। बस आपकी दवा तैयार है। इस्तेमाल कैसे करना है तो दो माशा का मतलब हो गया लगभग 2.5 ग्राम मान लीजिए आप। ठीक है, 2.5 ग्राम आपको गाय के लस्सी में, यानी गाय के दूध की लस्सी बनी हो उसके साथ आपको सुबह शाम लेना है। गाय की दूध की लस्सी लगभग आधा गिलास ले लीजिए, काफ़ी रहेगा। और 2.5 ग्राम, 3 ग्राम भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 से 3 ग्राम आप जो है ये आप सुबह शाम लीजिए। जनाब, इसका ये फ़ायदा है कि सिर्फ अगर बारीक रेगे हैं, यानी कि पथरी ज़्यादा बड़ी नहीं है और बारीक बारीक रेत, मतलब रेत के मानिंद है, बारीक बारीक है, तो इंशाल्लाह सिर्फ 2 घंटे में पथरी बाहर हो जाएगी। और अगर थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा सा घुल लेंगे उसको, 15 दिन आपको उस पर लगेंगे। और अगर ज़्यादा छोटी हैगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह 2 से 3 mm की है तो वो 2 घंटे में से। हाँ दोस्तों, बनाइए, फ़ायदा उठाइए। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी इस ये वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी फिर पथरी के लिए होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब खैर।